मिनी पंजाब कहे जाने वाले तराई क्षेत्र में एक बार फिर सिख अलगाववाद की आहट सुनाई पड़ी है। ताज़ा घटनाक्रम रामपुर जनपद की कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र में अलगाववाद संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थन में पोस्टर लगवा दिए गए हैं, जिसमें उनका समर्थन करने और रिहाई के लिए आंदोलन की अपील की है। पोस्टरों में केंद्र सरकार पर अमृतपाल की अघोषित गिरफ्तारी का आरोप लगाया गया है तथा अमृतपाल की रिहाई की अपील की गई है। अमृतपाल के समर्थन में लगे इन पोस्टरों में आगामी 26 मार्च को शाम 4 बजे बिलासपुर पुरानी मंडी में रैली निकालने का एकत्र होने की अपील की गई है। पोस्टर लगाए जाने की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में पोस्टर फड़वा दिए और पोस्टर लगाने वाले लोगों की तलाश में जुट गई। कहां कहां अमृतपाल के समर्थन में लगाए गए पोस्टर। गुरुवार को रात में कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के मोहल्ला शांति कॉलोनी निकट पंजाबी कॉलोनी स्थित नगर पालिका कंप्लेंस समेत कई जगह अलगाववादी अमृतपाल सिंह के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। सुबह पुलिस को यूं ही पोस्टर लगाए जाने की सूचना मिली। बिलासपुर कोतवाली नवाब सिंह ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और नगर पालिका कंप्लेंस के पिलर पर अमृतपाल सिंह के समर्थन में लगे पोस्टर हटवाए। पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र शलभ माथुर बिलासपुर कोतवाली पहुंचे और अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, सीओ लाइन संगम कुमार, सीओ सुवार ओमकार नाथ शर्मा व कोतवाली नवाब सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद डीआईजी ने पुलिस बल के साथ नगर के विभिन्न मार्गों पर पैदल मार्च निकाला और लोगों को किसी अफवाह पर ध्यान न देने और शरारती तत्वों पर नजर रखने की अपील की। अमृतपाल के पोस्टर लगा दिए गए यहाँ पर, उसमें क्या कहना चाहेंगे जी? उस संदर्भ को लेकर भी चर्चा की गई, उसको लेकर भी हमारी जो स्थानीय अभिसूचना यानी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो अलर्ट है, और मैं पब्लिक आपके माध्यम से पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के पोस्टर या इस तरह के बहकावे के अंदर ना आए। इसी संबंध में कुछ लोगों से भी यहाँ पर मंत्रणा की गई और उनको भी काउंसिल किया। जैसा सर वो करेंगे 26 जनवरी को पुरानी मंडी में कार्यक्रम होगा, 26 मार्च इस तरह के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया। सबसे पहले इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से और लोगों से वार्ता करके यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी अनाउंसमेंट कराया जाएगा कि इस तरह की पहली चीज़ तो कोई होने नहीं देंगे, ना होगी, और अगर है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। पुलिस अपनी तरफ से भी आइडेंटिफाई कर रही कि किन लोगों ने इस तरह का पोस्टर यहाँ पर लगा दिया है, और इस संदर्भ में हमारी जैसा मैंने बताया कि अक्रॉस दी बॉर्डर वहाँ पर भी लोगों से बातचीत हुई है। कुछ लोगों को हमने अभी तक आइडेंटिफाई भी किया है, आवश्यकता पड़ेगी तो उनके खिलाफ जो भी विधिक निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। पुलिस ने जारी की अपील। पुलिस अधीक्षक रामपुर ने जनता से अपील जारी की है, जिसमें अमृतपाल के समर्थन में रामपुर जनपद के बिलासपुर क्षेत्र में लगाए गए पोस्टरों में केंद्र सरकार पर अमृतपाल की अघोषित गिरफ्तारी के आरोपों का खंडन करते हुए जनता से ऐसी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में लॉकआउट सर्कुलर और गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की खबर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी अलर्ट हो गई है। अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका के बाद यूपी व उत्तराखंड बॉर्डरों पर चौकसी बढ़ा दी है।